इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से ये दिखाता है आपका जो पीसी है, यहाँ पर दिखाता है एंटीवायरस नॉट डिटेक्टेड टू बी इंस्टॉल दिस मशीन, दिस इंस्टॉलर कैन नॉट बी कंटिन्यू। हम बार बार इस पर टिक करते हैं बट ये कंटिन्यू नहीं हो पाता है। तो एक्चुअली में रीज़न क्या रहता है और इसका सोल्यूशन क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, एक्चुअली में कुछ उसकी फाइल्स हों एक्स्ट्रा में, तो वो ज़रूरी रहती है कि आपके पास हो अगर आप कहीं से इसको डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो जो ओरिजिनल रहता है वो ठीक है, ओरिजिनली रहता है, बट यहाँ पर हमारा जो विंडोज़ है उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है कि एक्चुअली में ये इंस्टॉल होने लायक मशीन है भी या नहीं भी है। तो उस सिचुएशन में इस तरीके से इशू निकल कर आ रहा है। देखिए, आप जेन्युइन तरीके से इस चीज़ को करिए तो ये कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं दिखाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको कहीं से डाउनलोड करें ऐसी साइट पर से जो कि यहाँ पर रिकॉग्नाइज ना हो आपके लिए, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो कम जो मशीन है वो इसको मने करेगी, जो सिस्टम आपका वो मने करेगी, इसको कैन नॉट बी कंटिन्यू, हम नहीं कर सकते। एंड सबसे पहले तो हमारे पास एंटीवायरस खुद का ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमें पीसी के अंदर मिलता है, तो इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर आप कहीं भारी इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए ज़रूरत पड़ जाती है, तो देन तब उसको कंटिन्यू करिएगा, इससे पहले आप इसको कंटिन्यू मत करिए। ठीक है, तो ये इस वजह से यहाँ पर ये लिखा हुआ आता है और कुछ रीज़न नहीं रहता। बाकी अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।